बात, फिर चलेंगे हम लोग खाने कुछ। हेलो ब्लॉग, बोलो हेलो ब्लॉग, कर लाइक कर दो, लाइक कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो, मेरा पंखा लगा दो, पंखा लगा दो। Hey guys, what's up? Welcome back to the another vlog. Hope you guys are doing absolutely fine. और दो दिन बाद दिवाली है, मतलब आज है 22 और मैं आज ही निकलूँगा यहाँ से कानपुर के लिए, मतलब अपने जॉब दिल्ली से कानपुर के लिए। अभी तो फिलहाल मैं ऑफिस में हूँ, ऑफिस से काम से ही हूँ, मतलब कि फिलहाल ये तो मेरा रूम है जैसे कि आप लोग को पता है। लास्ट वाले ब्लॉग में भी देखा आपने कि मैं लाइट्स वगैरह लेने गया था। इस बार दिवाली के लिए पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट है यार, कि मतलब पता नहीं क्यों है, क्यों ही है ये, तो बस ऐसे एक्साइटमेंट है। तो हुआ क्या था कि मेरी ट्रेन वगैरह नहीं हो पाई है, तो बस से चलना पड़ेगा, तो बस भी बुक नहीं है, बस चलना पड़ेगा, फिर लेना पड़ेगा, फिर मतलब कि बहुत सारे पापड़ बेलने हैं, बट जाना है, एक्साइटमेंट है, इसलिए so, मैंने ट्रेन बस में लिया, बिस्लेरी अनदेबल सेल रेलरी पता नहीं क्या दिया आपको। मेरा बैग जो है वो पैक है, और जो दिवाली का गिफ्ट मिल रहा होगा वो मिलेगा। 4 या 5 बजे मैं निकलूंगा यहाँ से, फिर चलते हैं सीधा घर। अभी आ चुका हूँ मैं घर पे, और ब्लॉग इसलिए वहाँ पे नहीं हो पाया जस्ट बिकॉज थोड़ा सा हड़बड़ में सारी चीज़ें हो गई थी, इसलिए नहीं हो पाया। तो मतलब रात में बेसिकली मैंने बस ले ली थी, और बस जानते हो कितनी ज़्यादा भीड़ रहती है, तो इसलिए बस कुछ नहीं किया मैंने, बस चला आया यहाँ से। और मैं दिखाता हूँ आपको क्या क्या चीज़ें मिली थी। सो ये एक कोई तो बीकानेर वगैरह की कोई मिठाई थी, इसके अंदर दिखाता हूँ शायद काजू कतली कुछ तो है, मतलब मैंने नहीं देखा, बेसिकली मम्मी लोग ने खोल दिया था। सो ये कुछ ऐसे मिठाइयाँ वगैरह हैं, ये एक कुछ तो गिफ्ट वगैरह मिला है, कुछ बर्तन वगैरह मम्मी लोग जाने यार इसको, और बस यही है। अभी पटाखे भी लेके आया हूँ मैं थोड़ी देर पहले, अभी दोस्तों के साथ भी घूमने गया था, मतलब बेसिकली ये बाद में शूट कर रहा हूँ क्योंकि अभी ही मुझको टाइम मिला है। सो एक्साइटमेंट अभी भी है भाई, तभी तो मैं पटाखे लेके आया, इससे पहले मैं पटाखे इतने ज़्यादा लेके नहीं आता, किसी को बताया नहीं, लेकिन 400-500 रुपये के पटाखे आ गए हैं मेरे घर में। मैं छोटा भाई भी ले आया था यार, धूम धाम होने वाला है दिवाली में, इतने सारे पटाखे लेके आए हैं। अभी मम्मी पापा छुटा रही हैं, इसमें भी थोड़े हैं, ये मतलब रिसेप कर लिया है, भूल से हम भी ले आए हैं ये, जब कल कुछ अनार हैं, और इसमें ये ऊपर रैकेट है पापा। सो हम बैठे ही थे कि ये लड़का आया और बोला कि भैया जादू देख लो, तो हमने बोला ठीक है यार बैठे हैं, किसी की हेल्प ही हो जाएगी, तो अभी आए थे पोहा, मैंने बोला ठीक है दिखा दे जादू, तो दिखाया यार देखो आप भी मजा आ जाएगा। और दोस्तों शाम को मिलाएंगे आपको, अभी के लिए बस पोहा खाते हैं, एंजॉय करते हैं। सिखाया किसने ये? अरे किसी ने सिखाया होगा, पापा ने, ये भी हमसे ही सीखता था, तुम भी अपने पापा से सीखो। मट्टी उठा लो, हां गुजड़ो खींच के देखो, सिंगल लेकर डबल कर दे इसको, खींच के देखो ताकत से, एक ही है, लाओ दे दे, अब इसी को दो करो ना। हां लाओ तो कर रहा हूं, इसके दो बना दूंगा, तुमने मेरी कला पकड़ ली, तुम्हें एक चाय ना, एक चाय हमें, हाथ दिखाओ पहले, पहले हाथ दिखाओ, पहले हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ ना दोनों, वो वाला भी दिखाओ, अरे ऐसे सीधे दिखाओ, अब पीछे दिखाओ, पीछे पीछे पीछे, दोनों तरफ दिखाओ, ठीक है दिखाओ, दिखाओ एक ही है कि नहीं है, पक्का एक ही है, तो दो कैसे दिखाओगे यार, झोले में नहीं डालना, ठीक है ठीक है बनाओ, नहीं बनाओ 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 बनाओ, अंदर आ जाओ, नहीं नहीं बैग ना ना डालो यार, अंदर आ गया, एक दो तीन बार ऐसा ठोकू थोड़ी मट्टी लगाऊं, हाँ तोड़ के दो बना, अच्छा देख ले, ये जा रही है चाय पीने, चलो चाय पीने यार, चली जाना, दौड़ जाना, भाग जाना, चली जाना, वो बोल गई चाय, ये दूध पीने जाएगी, इसमें नहीं है, वो बोल चाय पीने गई, गुजड़ू कौन है, गुजड़ू का मंत्र होगा, पहले हाथ दिखाओ, पहले हाथ दिखाओ, दो बना, नहीं उसमें तीन बना देना, लेकिन पहले हाथ दिखाओ, दोनों चाय पीना और दूध पीना गई, ये खाना खाने जाए, एक एक करके आओ, एक आ गई, हाँ दो आ गई, तीनों आ गई, अरे नहीं वाह ताली हो जाओ, अच्छा घर बना दे, देना नहीं होगी, एक और इसमें एक और एक मेरी मुट्ठी,
मैं। ठीक है मुट्ठी वाली हो घर पसंद नहीं आया तो इधर कर ठीक है तू मेरी मुट्ठी ये गई तो दो बन गई। अरे नहीं ये गई इसे ही बुलाया बेटी घुस गई खड़े क्यों जाए भाई हेलो आ रहे हैं बस रास्ते में। अरे यार चड्डी में भर ले होगे तुम उसका सिक्का कहाँ रहे देख के बोला जाता है क्या नाम है बोल अच्छा बोल तो दो कर लेते तो फिर पैसे क्यों मांग रहे यार ऐसा करता तो मैं यहाँ तो भी ना आता घर बैठे दो के चार चार के छह आठ छापने लगते आराम। तेज चलेगा बिल्कुल बोली तो इस वाले में भी थोड़ा सा तेज चलेगा लग गया। अरे हर हर शंभू लगाओ इस मकान में लगाया पंखा पुराने मकान में तो नए वाले में तो लगता है यहाँ पे लोग गर्मी में टीवी देख रहे हैं बताओ अच्छी बात है ये ब्लॉग को हाई करो कह दो हेलो ब्लॉग हेलो ब्लॉग तुम बोलो हेलो ब्लॉग बोलो विधान बोलो ना एक बार फिर चलेंगे हम लोग खाने कुछ हेलो ब्लॉग बोलो हेलो ब्लॉग कह दो लाइक कर दो लाइक कर दो सब्सक्राइब कर दो मेरा पंखा लगा दो तो मामा का नया घर बन गया ये अभी मतलब फिनिशिंग वगैरह चल रही है ये सोफा भी बन गया लेकिन मामा ने पंखा नहीं लगवाया था। अभी आए थे हम मामा के और नया वाला होम का एक टूर दे देंगे छोटा सा और देखो घर में पंखा नहीं लगा है बाकी टीवी भी लगवा दी क्या मतलब है मामी क्या मतलब बताओ पंखा नहीं लगा है। अच्छा टीवी आप लोग खुद ले रहे हो पंखा हम लगवाए तो बस इतना सा दिन में अभी आ गया हूँ मैं घर फाइनली रात हो चुकी है देखो अंधेरा है पीछे तो बस इतना ही था व्लॉग में अगर व्लॉग अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अच्छे अच्छे कमेंट्स कर दीजिएगा सब लोग तब तक के लिए बाय।